नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरफ से, जेके पीएससी की तरफ से एडमिट कार्ड 2023 के लिए रिलीज हो चुके हैं। वेबसाइट पे जो दिया गया है, आपका जो एग्जाम टाइम सेम रहेगा 15 अक्टूबर 2023 को। जीएस पेपर वन का जो पेपर होगा वो होगा 10 बजे से लेके 12 बजे तक आपका ये पेपर है। ओके, दूसरा ये है कि सीसेट का जो पेपर है वो 2 बजे से लेके 4 बजे तक है। आप एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं जेके पीएससी की वेबसाइट पे जाके। वहां पे आपने जेके पीएससी का जो अकाउंट है आप उसमें लॉग इन करके अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वहां पे जब लॉग इन करेंगे उसके बाद एक साइड पे आ जाएगा एडमिट कार्ड सेक्शन। एडमिट कार्ड पे क्लिक कर रहा है, वहां से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी एस्पिरेंट को दिक्कत आ सकती है, हो सकता है किसी को यूजर आईडी या पासवर्ड में दिक्कत हो, इसमें भूल चुका हो जो भी एस्पिरेंट, तो उसमें मैं ये बोलूंगा कि आप एप्लीकेशन जैसे वेबसाइट पे जाएंगे आप नीचे, तो यहाँ पे जैसे आएगा जस्ट वन सेकेंड, यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर आप आईडी भूल चुके हैं, जैसे यूजर आईडी भूल चुके, तो यहाँ पे फॉरगेट यूजर आईडी पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से आप आईडी ले सकते हैं, यहाँ से आप पासवर्ड निकाल सकते हैं, यहाँ से आप एप्लीकेशन नंबर, तो कोई भी चीज, चाहे वो यूजर आईडी हो, पासवर्ड हो या फिर एप्लीकेशन नंबर हो, कोई भी आप भूल चुके हैं तो आप यहाँ से फॉरगेट करके आप उसको दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। फाइनली लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ से लॉग इन करना है, लॉग इन इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अपना पासवर्ड और ये आईडी, ओके, ये लॉग इन कर सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका यहां से डायरेक्टली आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा। राइट, यहां पे आपने यूजर आईडी बनाना लिखना है, ठीक है, जितने भी नंबर का जो भी है, तो इसमें पासवर्ड डालना है। मैंने ये बताया कि अगर आप भूल चुके हैं देन उसके लिए ये प्रोसीजर है, जिसके पास यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह सब कुछ है तो उनको ये करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आप लॉग इन कर सकते हैं यहां से और वहां निकल सकता है, नहीं तो मैं लिंक आपको टेलीग्राम शेयर कर दूंगा। अब बात ये है कि ये तो हो गया, जो आना था एडमिट कार्ड ये तो आ चुका है। अब लास्ट जो डेज बचे हैं, ये कुछ दिन पहले की वीडियो है इसी चैनल पे यूट्यूब पे, वहां पे हमने डिस्कस किया है व्हाट आर डूज एंड डोंट्स फॉर द लास्ट 10 डेज, तो वो लेक्चर जरूर देखें आप। ओके, बाकी एक बात ये भी है कि जो करंट अफेयर की कंपाइलेशन जो अभी ये अवेलेबल है टारगेट जेके एग्जाम ऐप पे, वहां पे आपने जिस तरह से हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, तो ये ध्यान रखना है कि किस किस चीजों पे ध्यान रखना जरूरी है इस समय। सबसे बड़ी बात ये है कि सी सेट में सब एस्पिरेंट उड़ते हैं, तो मेन जो है वो आप इसको कवर करके जाएं जितना भी चीजें हो सकती है। जिसने भी अभी तक सी सेट के बारे में, सी सेट में अगर आपको लग रहा है कि 33 क्वेश्चन कैसे क्लियर कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप सी सेट के रीजनिंग के ये वाले टॉपिक जितने भी हैं इसको क्लियर करके जाएं, क्योंकि यहां से आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपके सही करेक्ट हो सकते हैं अगर आप रीजनिंग का करके जाएंगे। ऑलराइट, 10 से 15 क्वेश्चन इस तरह से अगर आप इसमें करेंगे जस्ट मैथ में, तो मैथ में कुछ टॉपिक है जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, बोर्ड स्ट्रीम आ गया, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये वाली चीजें जो है ये करके जाए, साथ में इसके साथ में डीआई करके जाए। ओके, और साथ में जो रही बात कंप्रीहेंशन की, तो कंप्रीहेंशन आपको 2021 और 22 का जेके पीएससी का पेपर सॉल्व करना है। रही बात इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, 2022 में नहीं पूछा गया है लेकिन 21 में पूछा गया है जेके पीएससी में, और 2023 में पूछा जा सकता है, तो मेक श्योर कि इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल की बेसिक जो जैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स कौन से होते हैं, विच आर द वेरी फॉर द कम्युनिकेशन स्किल, व्हाट इज इंटरपर्सनल स्किल, अदर नेम ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बल, नॉन वर्बल वगैरह, वो छोटी सी जो है कंपाइलेशन ऑलरेडी ऐप पे हमने अपलोड की है, वहां से वो आप डायरेक्टली ये टॉपिक देखें कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन से होते हैं और लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, तो वो इंपॉर्टेंट बन जाती है इसमें देखने के लिए। ठीक है, उसके अलावा मैं ये बात बोलूंगा जीएस में मैंने अलग से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने ऑलरेडी बताए हैं उस लेक्चर में, प्रारंभ लेक्चर में, वो आपको दिख जाएगा यहीं पे ओके यूट्यूब पे, तो वो देख ले। वो लाइव लेक्चर लिया तो लाइव वाले यूट्यूब पे लाइव वाली सेक्शन पे जाना है, लाइव वाली में आपको वो दिख जाएगा। ओके, बाकी रही बात करंट अफेयर के लिए, तो मैंने करंट अफेयर के लिए बता दिया आपको, जितने भी अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो हमने जेके पीएससी के लिए स्पेसिफिक करंट अफेयर कंपाइलेशन बनाई है उसमें से क्वेश्चन निकल रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये है कि 10 के आसपास क्वेश्चन हम मान के चल रहे हैं कि इस वाले जो ये 500 पेज की जो पीडीएफ है ये आपके पास होगी, आपने फोटो स्टोरी की होगी, नहीं भी की हो तो ऐप पे जाके वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको।
ओके टारगेट जेके एग्जाम ऐप पे जाके, बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है मोर अपडेट के लिए ओके। और जीएस में एक चीज में बोलूंगा कि जीएस में करंट अफेयर आएगा, अभी तो 20-25 क्वेश्चन आएंगे ना, बाकी क्या है, बाकी सारा स्टैटिक पोर्शन है। तो मेक श्योर कि आप पॉलिटी को कम से कम अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं, पॉलिटी को पढ़ के जाएं। पॉलिटी को पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिटी बिल्कुल स्टैटिक है कुछ चीजें छोड़ के। तो करंट अफेयर के से एक दो तीन क्वेश्चन आते हैं, बाकी अगर 15 क्वेश्चन आएगा उसमें तीन क्वेश्चन अगर करंट अफेयर क्या है, बाकी पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत की पॉलिटी जो है वो रिवाइज करनी है आपने, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिटी ही आपको बचा सकती है। बाकी जिसका इकोनॉमी स्ट्रांग है, जिसका कोई और सब्जेक्ट स्ट्रांग है, हिस्ट्री स्ट्रांग है, तो वो उस तरीके से देख लीजिए। बट पॉलिटी मैं फिर से बोलूंगा, चार पांच दिन बचे हुए हैं इसमें, पॉलिटी आपको किसी भी हद तक, अगर हिस्ट्री आप भूल जाओ, अगर मेडिवल आप हिस्ट्री छोड़ सकते हो बट पॉलिटी का एक चैप्टर भी नहीं छोड़ सकते, तो ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्लिक बता रहा हूं मैं, समझ रहे हो। तो पॉलिटी स्ट्रांग करके जाना है, बाकी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ क्या क्या चीजें पढ़नी है क्या नहीं करनी है, ये पीडीएफ भी अपलोड की गई है जो इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। ये वाली पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी कि क्या क्या चीजें पढ़नी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, इंटरनेशनल रिलेशंस पे, जैसे G20 समिट है ये तो आने वाला ही है, बाकी जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जैसे चंद्रयान हो गया, ब्रह्मोस मिसाइल हो गया, फिर नोबेल प्राइज हो गया 22 वाला, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये वाली चीजें ये तो न्यूज में है। इस तरह से जैसे अगर शॉर्टकट में एनवायरमेंट की बात करूं तो एनवायरमेंट में जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, रामसर साइट्स हैं, और ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी है, पंच अमृत बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ड्यूरिंग द सीओपी, ये वाला है, ग्लोबल मिथेन अलायंस है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, बाकी जो पेरिस एग्रीमेंट के रिलेटेड जैसे INDC वगैरह रहते हैं वो, और कन्वेंशन वगैरह जो इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशन में G20 को पढ़ के जाना है पूरे अच्छे तरीके से, और ऑपरेशन कंडक्टेड बाय इंडिया इन द यूक्रेन, सूडान, टर्की वगैरह वो, और बाकी जो प्लेसेस न्यूज में रहती हैं यूक्रेन के आसपास चीजें जो हैं वो पढ़ के जाना है, राइट। बाकी ये कोर्सेज कुछ अवेलेबल है ऐप पे जाके आप देख सकते हैं, अभी कोई भी कोर्स नहीं लेना है, 2024 के लिए ये अवेलेबल होंगे कोर्स। अब जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ करंट का देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज वैसे भी जो आपने करी है कहीं से भी करी है वो करिए, ठीक है। अब टेस्ट सीरीज लेने का कोई फायदा नहीं है, चार पांच दिन में जो पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। इंडियन इकोनॉमी के कुछ टॉपिक बताए हुए हैं, ठीक है, तो ये भी देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं इस समय न्यूज में उसी तरह से। और हिस्ट्री का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जरूर पढ़ के जाए, IBC साइट पढ़ के जाए, और बाकी जो जैसे G20 की समिट जैसे खाजुराहो में हुई है, हम्पी में हुई है, तो ये इनके स्टैटिक पढ़ के जाना आपने, ठीक है। जनता लोरा केव्स कौन सी है, खाजुराहो टेम्पल्स, हम्पी वगैरह, ये पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी का देखो, ज्योग्राफी का स्पेसिफिकली मैं बोलूं, अर्थक्वेक इस बार आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, साइक्लोन्स पढ़ के जाएं, एल नीनो ला नीना पढ़ के जाएं, बाकी वेजिटेशन क्लाइमेट चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं ओके। पॉलिटी का ऑलरेडी मैंने बताया, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी आ गया, राइट टू वोट आ गया, राइट टू स्ट्राइक, राइट टू मैरी, राइट टू प्राइवेसी, और एक और बात है कि सुप्रीम कोर्ट की केसेस जो अभी रिसेंटली न्यूज में, डॉक्ट्रिन पढ़ के जाना है, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ के जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो देखना इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तो पढ़ना ही है, फंडामेंटल राइट्स, रिट्स, DPSP, प्रेसिडेंट, गवर्नर, पार्लियामेंट का बिल, जैसे मनी बिल है तो मनी बिल के बारे में पढ़ के जाए, पावर ऑफ लोकसभा चेयरमैन की उसकी देखे जाए, पीसा एक्ट पढ़ के जाए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वगैरह, और ये NHRC जरूर पढ़ के जाए, इसमें अमेंडमेंट हुई है NHRC में 2019 में, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो भी थोड़ा सा देख के जाए। बाकी इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ना है, AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ें क्योंकि वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। बाकी EWS अमेंडमेंट वगैरह हो गया, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गया, ये सारी चीजें देख के जानी है। मिसलिनियस में बोले तो एक तो आपको ऑस्कर अवार्ड का देखना है कि अभी इसको मिला है, एक योगा डे जो है इंटरनेशनल डे में थीम क्या रहता है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी ये नोबेल प्राइज 2022 वाले पढ़ने हैं, 2023 के नहीं पढ़ने क्योंकि पेपर ऑलरेडी सेट हो चुका है, ठीक है। 2023 वाला जो नोबेल प्राइज आए हैं ये चार पांच दिन पहले ही आए हैं, ठीक है, तो पेपर जो है 15-20 दिन पहले ही सेट हो जाता है। तो करंट अफेयर 25 सितंबर तक आपको आना चाहिए, 25 और 28 के बीच तक, इसके बाद करंट अफेयर कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि पेपर 15-20 दिन पहले सेट हो जाता है। तो 2022 का ही नोबेल प्राइज पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये चीजें जो दी गई हैं ये आपने पढ़नी है, बाकी फुल इंफॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और करंट अफेयर का कोर्स की जो PDF है वो आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आप मार्केट में जम्मू में कहीं भी हैं, बख्शी अपना विक्रम चौक वगैरह वहाँ पे फोटो स्टेट शॉप पे तो बेसिकली मैंने देखा था, तो उधर भी अवेलेबल है, अगर आप डायरेक्टली अगर शॉप पे जाके देखना चाहें फोटो स्टेट शॉप पे विक्रम चौक पे, तो वो अगर आप जम्मू से नहीं है कहीं और से हैं तो डाउनलोड करिए ऐप पे जाके, ठीक है, वहां से प्रिंट आउट निकालिए, सब्जेक्ट वाइज पढ़िए, जो जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपको लग रहा है कि ये मेरा रिवाइज भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब चीजें जो भी मार्केट में सोर्सेज करंट अफेयर के वो मैंने इसमें कवर
कर दी है, मोस्टली चीजें कवर कर दी है। और रही बात जम्मू वाले, जितने जम्मू में एस्पिरेंट्स है, विक्रम चौक जाइए, वहां पे ये फोटो स्टेट हर शॉप पे ऑलमोस्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आपको एग्जाम के बाद, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।